नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके विद अजीत में। मैं आपके लिए इस वीडियो में 30 क्वेश्चन का जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस साइड पेपर लेकर आया हूं। अगर ये साइड पेपर आपको आज ही के दिन आपके एग्जाम में मिलता तो आप 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर कर पाते, ये सोचकर क्वेश्चन सॉल्व करिए और देखिए आपका स्कोर क्या आ रहा है। अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर शेयर करिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लिखित कर प्रसिद्ध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है स्क्रीन पर। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए देखते हैं, तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विश्व में सीमेंट के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो विश्व में सीमेंट के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है स्क्रीन पर। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कार्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1786 का एक्ट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 1786 एक्ट के तहत लॉर्ड कार्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में वर्षा का औसत क्या है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो भारत में वर्षा का औसत 118 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से स्टोरेज माध्यम नहीं है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कीबोर्ड जो है स्टोरेज माध्यम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। कीबोर्ड जो है हार्डवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था संस्था का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः कब स्वीकार किया गया? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः 1853 में स्वीकार किया गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, इसका कारण क्या है बताइए? चलिए देखते हैं, तो पुणे में मुंबई से वर्षा कम होने का कारण यह जो है वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, इस कारण से मुंबई से कम वर्षा होती है पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? राइट आंसर क्या है बताइए? चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोल्डन पांडा पुरस्कार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार गोल्डन पांडा पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स नामक लेख कब प्रकाशित हुआ? राइट आंसर क्या है बताइए? चलिए देखते हैं, तो एनाटॉमी ऑफ सीड्स प्लांट्स नामक लेख जो है 1960 में प्रकाशित हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी कौन है? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बताइए? चलिए देखते हैं, तो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आप पूछा गया है। यह स्क्रीन पर निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? राइट आंसर क्या बताइए? चलिए देखते हैं, तो निम्न अखबारों में से लीडर नाम का अखबार जो है उदारवादियों की नीति का प्रचारक था, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आप पूछा गया है। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवतीय रेखा होती तो यहां की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? राइट आंसर क्या है बताइए? चलिए देखते हैं, तो यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवतीय रेखा होती तो यहां की जलवायु पर अधिक ताप और अधिक वर्षा होती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। यह स्क्रीन पर अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या है बताइए? चलिए देखते हैं, तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? राइट आंसर क्या है बताइए? चलिए देखते हैं, तो भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात लॉर्ड कार्नवालिस ने किया, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? राइट आंसर क्या है बताइए? चलिए देखते हैं, तो जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। यह स्क्रीन पर हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? राइट आंसर क्या है बताइए? चलिए देखते हैं, तो हीराकुंड परियोजना महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अशोक का कौन सा अभिलेख दो लिपियों ग्रीक तथा अरमाइक में प्राप्त हुआ है? राइट आंसर क्या है बताइए? चलिए देखते हैं, तो अशोक का शारे कुना अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। शारे कुना अभिलेख जो है ग्रीक तथा अरमाइक दो लिपियों में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है बताइए? चलिए देखते हैं, तो कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा परियोजना है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह स्क्रीन पर संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? राइट आंसर क्या है बताइए? चलिए देखते हैं, तो संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों का कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। पंचायतों का कार्यक्रम सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? राइट आंसर क्या है बताइए? चलिए देखते हैं, तो दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद एडवर्ड लुटियंस, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर क्या है बताइए?
चलिए देखते हैं। तो हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख जो है खरोष्ठी लिपि में है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ था, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1954, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ 1954 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। दोस्तों आपने 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर गेन किया जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।